हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की ऐसी सब्जी जो आपने पहले पता नहीं खाई है कि नहीं खाई। इस रेसिपी से आप अरबी को बना लेंगे। इसी तरह से हमेशा अरबी को बनाएंगे, क्योंकि ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। फ्राइड अरबी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम अरबी को बॉयल करके उसके छिलके उतार लिए हैं। अब इनको गोल कट कर लेना है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है अरबी को, पंजाबी में कहते हैं ना मलाई नहीं करना है, थोड़ी सी सख्त से रखना है इसको। इसके टुकड़े कर लेंगे, थोड़े से बड़े टुकड़े ही करने हैं। इस तरह से टुकड़े कर लेंगे इसके। तो सारी अरबी को मैंने गोल शेप में काट लिया है। अब इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो अरबी को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें अरबी को शैलो फ्राई कर लेंगे, ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो अरबी जो है वो कढ़ाई के तले में चिपक जाएगी। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना पहले। तो ऑयल गर्म हो गया है, अरबी के टुकड़े इसमें डाल देंगे। मैं कढ़ाई में ही शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी में ही अरबी को बना लूँगी। इनको निकाल लेंगे और बाकी के अरबी भी इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अरबी में से। गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करना है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा है, 1 छोटा चम्मच ऑयल और डाल देंगे इसमें। तो 1 छोटा चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरबी भी शैलो फ्राई की हुई है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले इसमें अजवाइन डालनी है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालनी है। क्रश करके डालें इस तरह से। 1 छोटा चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर लें। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं गरम मसाला भी डालूंगी, तो लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लें। मिक्स कर लें मसाले, जलने नहीं चाहिए। अगर मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल लें या गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच पानी। इसके साथ ही डाल देंगे अरबी। मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए अरबी को ऐसे ही मसालों के साथ भून लें। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। एक बड़ा चम्मच पानी मैंने इसमें डाला था, लेकिन वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसको अभी कवर करके हमने रखना है, तो और पानी डालना पड़ेगा। 1 बड़ा चम्मच पानी और डाल दिया है मैंने। अब इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर खोल के चेक कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं अरबी को कवर किए हुए, चेक कर लेते हैं खोल के। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है अरबी, गल भी गई है ये अच्छे से।
खुशबू तो इतनी मस्त आ रही है इसमें से। अब इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, क्रश करके डाल दें इस तरह से। मिक्स कर लें, इससे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है अरबी का। अब इसमें डाल देंगे धनिया, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया अरबी बनके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको निकाल रही हूँ मैं एक सर्विंग प्लेट में। बॉयल करने के बाद 10 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे इसको बनाने में। अगर आपको खाना बनाने की जल्दी है तो आप इसको बॉयल करके शैलो फ्राई करके रख लें और इस तरह से बना लें, 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अब आप कहेंगे पूनम हमारे बच्चे तो अरबी खाते ही नहीं। मेरे बच्चे भी अरबी नहीं खाते थे, लेकिन मैंने जब उनको इस तरह से अरबी बना के खिलाई तो उन्हें बहुत ही टेस्टी लगी। देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ये, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप भी बच्चों को एक बार इसी रेसिपी से अरबी बना के खिलाएँ, आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस रेसिपी से बनाई है आपने अरबी तो आपके बच्चों ने खाई या नहीं खाई। आजकल तो मार्केट में काफ़ी अरबी आई हुई है, तो अरबी लाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।